आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CHO मॉडल पेपर 4। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वीडियो की तरह। और मैं आशा करूँगा आप लोगों से कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बेबी बॉर्न एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक बच्चे ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जन्म लिया है। फॉर हिज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन बी गिवन टू हिम। सबसे पहला जो वैक्सीन होगा कौन सा लगेगा? ऑप्शन ए DPT वैक्सीन, ऑप्शन बी MMR वैक्सीन, ऑप्शन सी BCG वैक्सीन, ऑप्शन डी टाइफाइड वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी BCG वैक्सीन। देख लेते हैं, जन्म के समय बच्चे को PCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी डोज कितनी होती है? जन्म के समय इसकी डोज होती है 0.05 ml। और अगर 4 week यानी कि एक मंथ का अगर बच्चा हो जाता है जिसके BCG नहीं लगा हो, तो 0.1 ml लगाते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे आपका मज़ा और ज़्यादा आए। वैक्सीन टाइप, ये कैसी वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, दो तरह की वैक्सीन होती हैं, लाइव और किल्ड। ठीक है, BCG प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यानी कि BCG जो होता है किसके अगेंस्ट काम करता है, किस बीमारी से बचाता है? ट्यूबरक्लोसिस। डायल्यूट किस में करते हैं इसको? नॉर्मल सलाइन में। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, BCG का डायल्यूट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और अब की बार भी आ सकता है, तो इसको नॉर्मल सलाइन में डायल्यूट करते हैं। इसका रूट ID, ये भी इंपॉर्टेंट है। BCG इंजेक्शन लगता है, ID लगता है। टेम्परेचर रिक्वायर BCG वैक्सीन टू स्टोर, यानी कि BCG को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? 2 से 8 degree टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन यूज फॉर प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें कौन सा वैक्सीन लगाएंगे? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, टिटनेस वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोमोशन आर मेजर फॉर, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि किसी भी चीज़ से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोमोशन यानी कि हेल्थ को हेल्थ में सुधार करने के लिए ये कौन सी मेजरमेंट है? ठीक है, यहाँ प्रिवेंशन दी गई है, इनमें से कौन सी प्रिवेंशन है ये? ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रिवेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेनली 4 तरह की प्रिवेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि इम्यूनाइजेशन आर कंसिडर्ड इन प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपको हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको सीधा प्राइमरी प्रिवेंशन पे क्लिक कर देना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि किसी भी डिजीज़ का हम डायग्नोस करते हैं, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। ठीक है, और जैसे ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, TSC करते हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होती है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो उसको वापस उसी चीज़ में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे जयपुर फुट है, इसको टर्शियरी प्रिवेंशन में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में सबसे अच्छा सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है आयरन को देखने के लिए? ऑप्शन ए ट्रांसफेरिन, ऑप्शन बी सीरम फेरिटिन, ऑप्शन सी सीरम आयरन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीरम फेरिटिन। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, सीरम फेरिटिन यह बॉडी में साइज ऑफ आयरन स्टोर को रिफ्लेक्ट करता है, समझ गए? यह आयरन स्टोर का मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्करी इज, यानी कि मर्करी का जो सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्करी इज, मर्करी को हम कैसे सेफ डिस्कार्ड करेंगे यानी कि डिस्पोजल करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे? ऑप्शन ए ब्यूरी अंडर अर्थ,
ऑप्शन बी कलेक्ट केयरफुली एंड रियूज कम्बस्टन एंड ऑप्शन डी ट्रीट विद केमिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट केयरफुली एंड रियूज। इसको केयर अच्छे तरीके से केयरफुली और कलेक्ट करते हैं और बाद में यूज़ कर लेते हैं। मर्करी है एक शाइनी सिल्वर वाइट टॉक्सिक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अपने रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता है मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किया जाता है और अपना थर्मामीटर में भी है। मर्करी केयरफुली कलेक्ट कर सेफली रिसाइकल के द्वारा इसको रीयूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द क्लाइंट हु इज़ यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, कोई क्लाइंट है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है। द नर्स इन्फॉर्म दैट द क्लाइंट अबाउट द नीड टू टेक द पिल्स एट द सेम टाइम। नर्स उससे बोल रही है कि आपको मेडिसिन सेम टाइम पर लेनी है, सेम टाइम से प्रत्येक दिन लेनी है। टू अकॉम्प्लिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ की पूर्ति के लिए, आई मीन किस चीज़ को पूरा करने के लिए बोल रही है। ऑप्शन ए डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ नोजिया, ऑप्शन बी मेंटेन हार्मोनल लेवल, ऑप्शन सी रियूज रिड्यूस साइड इफेक्ट, ऑप्शन डी प्रिवेंट ड्रग इंट्रैक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मेंटेन हार्मोनल लेवल्स। इसमें क्या होता है, रेगुलर टाइमली इंजेक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नेसेसरी टू मेंटेन हार्मोन लेवल ऑफ द ड्रग। यानी कि अगर हम सही टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, डेली सही टाइम पे उसी टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या है हार्मोन का मेंटेनेंस होता है। हार्मोन क्या करते हैं, लेवल ऑफ द ड्रग टू सप्रेस द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करते हैं। और उससे क्या होता है, एन अप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ FSH और LH। ठीक है, उससे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अच्छे तरीके से सिक्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते और ओव्यूलेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है, उसी से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, RN रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये टीवी कंट्रोल का प्रोग्राम है। तो इसमें केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए स्पूटम कल्चर, ऑप्शन बी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन डी मोंटेक्स टेस्ट। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पूटम माइक्रोस्कोपी। इसमें देख लेते हैं, दिस हैज बीन शोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस एमोंग पेशेंट इन ऑर्डर टू हेल्प देम स्टार्ट ट्रीटमेंट। सबसे बेस्ट डायग्नोसिस माना गया है ये। RNTCP की बात करें, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था दोस्तों, ये 1962 में, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था, सॉरी दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है। जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था वो 1992 में आया था, और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो आया था 1962 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल वो हैव द पर्टिकुलर डिजीज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल वो हैव पर्टिकुलर डिजीज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए इंसिडेंस, ऑप्शन बी प्रिवेलेंस, ऑप्शन सी मॉर्बिडिटी रेट, ऑप्शन डी मॉर्टिलिटी रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी प्रिवेलेंस। देख लेते हैं प्रिवेलेंस क्या होती है, इंसिडेंस प्रिवेलेंस आपने सुना होगा। तो प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर डिजीज के टोटल नंबर ऑफ करंट केस को प्रिवेलेंस कहते हैं। यानी कि किसी कम्युनिटी में, मैं सिंपल वर्ड में आपको बता देता हूँ, किसी कम्युनिटी में न्यू केस जो होते हैं उनको हम प्रिवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, न्यू केस। और इंसिडेंस क्या होते हैं, द नंबर ऑफ न्यू केस दैट डेवलप ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूबेला। लाइव एटेंडेड वैक्सीन है
रूबेला, और इससे रिलेटेड कुछ वैक्सीन लाइव एटेन्यूटेड हैं जिनमें बैक्टीरिया वायरस लाइव होते हैं, मीजल्स मम्स एंड वेरिसोला स्टोर विद हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो वैक्सीन है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाए जाते। क्यों नहीं लगाए जाते? लाइव वैक्सीन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रिजल्ट इन वायरल इन्फेक्शन ऑफ द फीटस, प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं और फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिनेल सर्वेलेंस इज डन टू, यानी कि सेंटिनेल सर्वेलेंस किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए, नो द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन कम्युनिटी, नो द हिडन केस इन कम्युनिटी, नो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी प्लान इंटरवेंशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नो द हिडन केस इन कम्युनिटी। सेंटिनल सर्वेलेंस, देखिए सर्वेलेंस होती है कई प्रकार से होती है, तो इसकी क्या है सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द मिसिंग एंड हिडन केस इन कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी में छुपे केस वगैरह हैं उनको पता करने के लिए इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैप स्मियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो पैप स्मियर जो होता है, पैप स्मियर किसके लिए करते हैं? ये सर्विक्स कैंसर के लिए करते हैं, तो कौन सी प्रिवेंशन है? ऑप्शन ए प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। याद रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपनी कोलाओ पैप स्मियर इज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, एम्स किसके लिए करते हैं इसको? डायग्नोस सर्वाइकल कैंसर इन इट्स सब क्लिनिकल स्टेट बिफोर प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज इन वेजाइनल स्पंज, यानी कि वेजाइनल स्पंज जो होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन डी नॉनऑक्सीजन 9। ये क्या है? यह वेजाइनल स्पंज टूडे, आजकल पता है आपको वेजाइनल स्पंज का जो किस नाम से आ रहा है, टूडे नाम से आ रहा है, उसमें यूज किया जाता है। ये केमिकल होता है जो स्पंज को क्लीन करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डुप्लीकेट बाय द सिंबल, यानी कि जो सिंबल आपको दिख रहा है ये कौन से प्रोग्राम का है, किस प्रोग्राम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए RCH, ऑप्शन बी IDSP, ऑप्शन सी NPCB, ऑप्शन डी NBDCP। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। कब लॉन्च हुआ था ये? 1976। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इनके जो कब लॉन्च हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप याद कर लेना। प्रिजर्वेटिव एडेड इन DPT वैक्सीन, यानी कि DPT वैक्सीन में क्या मिलाते हैं? ऑप्शन ए जिंक फॉस्फेट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट ZnSO4। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट। DPT में क्या मिलाते हैं? प्रिजर्वेटिव के तौर पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिलाते हैं। ठीक है, एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि वैक्सीन जो काम करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उनको यूज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मीजल्स वैक्सीन इज कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन, ऑप्शन ए चिल ट्रे, ऑप्शन बी फ्रीजर, ऑप्शन सी ट्रे बिलो द फ्रीजर, ऑप्शन डी सेल्वेस इन द डोर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फ्रीजर में रखते हैं। तो देखिए फ्रीजर, इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं, मीजल्स कैसा वैक्सीन है? ये लाइव वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। मैंने आपको बताया था लाइव और किल वैक्सीन होते हैं। मीजल्स वैक्सीन का रूट क्या है? SC, इसको याद कर लेना दोस्तों, जितने भी वैक्सीन हैं उनके रूट को याद कर लेना। जैसे BCG मैंने बताया ID होता है, मीजल्स SC होता है, और JE भी SC होता है, और लगभग जितने भी हैं वो IM होते हैं। तो इसको डायल्यूट किस में करते हैं? डिस्टिल वाटर में। मीजल्स को किस में डायल्यूट करते हैं? डिस्टिल वाटर में। और मीजल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जहाँ से पूछा जाता है कॉपलिक स्पोर्ट। कॉपलिक स्पोर्ट किस में देखने को मिलते हैं? ये मीजल्स में देखने को मिलते हैं। कॉपलिक स्पोर्ट आर द पेक्टुलर स्पोर्ट्स प्रेजेंट ऑन द बक्कल म्यूकोजा, यानी कि बक्कल म्यूकोजा पर ये प्रेजेंट होते हैं। बक्कल म्यूकोजा जो गालों के अंदर होते हैं, एंड आर कंसिडर्ड टू बी ए डायग्नोस्टिक पैथोजोनिक फीचर्स ऑफ मीजल्स रूबेला इन द प्री इरेप्टिव स्टेज। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू ट्रीट डायरिया इन ए चाइल्ड इज। सबसे बेस्ट मेथड जो होती है डायरिया की, बच्चों को डायरिया सबसे ज़्यादा होता है, 5 साल तक के बच्चे के लिए डायरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड यूज में लेते हैं? आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी ORS, ऑप्शन डी बोवेल बिंडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ORS। ORS की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, यह क्या है? इट इज़ ए बेस्ट मेथड टू ट्रीट पेशेंट विद डायरिया। प्रिपेयर ORS विद यूज विद इन 24 आवर, यानी कि जो हमने ORS बनाया है उसको 24 आवर्स में यूज कर लेना है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, उसके बाद हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए इसको। तो ORS के कंपोनेंट हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इसमें क्या क्या होता है, ORS से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ BMW बैग इन हॉस्पिटल यूज टू डिस्पोज ब्लड बैग, यानी कि ब्लड बैग को डिस्पोज करने के लिए कौन से कलर का हम जो बैग है यूज में लेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए येलो। जो ब्लड से ब्लड से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कौन से बैग में जाती हैं? येलो बैग में जाती हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। कलर कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेड में क्या है, ब्लू में क्या है, ब्लैक में क्या है। तो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सब्सटेंस जितने भी वेस्ट होते हैं वो येलो में जाते हैं। ब्लड बैग आर डिस्कार्ड इन येलो BMW बिन्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आर डिस्कार्ड इन रेड BMW बिन्स। इसको याद रख लेना, जो BT सेट होता है उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे? रेड बैग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगसोसिस इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय एन इनहेलेशन ऑफ, यानी कि बेगसोसिस किसकी वजह से होता है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी शुगर केन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शुगर केन डस्ट, यानी कि जो गन्ने होते हैं उसकी डस्ट से ये बेगसोसिस होता है। यह एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी बोलते हैं इनमें। तो इसमें कफ, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग और चिल्स हो जाती है, फीवर हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स में बता दूँ, कॉटन डस्ट किसके वजह से होती है? कॉटन डस्ट को इनहेलेशन करने से कौन सी डिजीज होती है? विस्नोसिस, इसको मंडे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कोल डस्ट यानी कि कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है? एंथ्रेकोसिस होती है। और सिलिका, सिलिकॉन जो होते हैं उनकी डस्ट को इनहेलेशन करने से सिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट। आई एम वोमेन एज अबव 40 ईयर, यानी 40 ईयर की जो लेडी होती है उनमें बेस्ट मेथड जो होती है कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी होती है? ऑप्शन ए रेगुलर एक्सरे, ऑप्शन बी सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी मेमोग्राफी, ऑप्शन डी रेगुलर बायोप्सीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेमोग्राफी। ब्रिस्ट एग्जामिनेशन के लिए मेमोग्राफी करते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी क्या होती है? यह मुख्यतः 40 साल की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए एडवाइस की जाती है। मेमोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो वो मैन को प्रतिवर्ष यानी कि हर साल स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। अगर कोई महिला है उसने मेमोग्राफी कराई है तो उसको हर साल मेमोग्राफी कराने की एडवाइस देते हैं, अगर वो 40 साल की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ अक्रॉस ए लार्ज रीजन कंट्री टू कंट्री रैपिड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इससे परिचित होंगे। जो अपना एक अपना क्या है कोरोना है,
ये पैंडेमिक डिजीज़ है जो देश विदेश हर जगह फैला हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है जो बड़े स्केल पे बीमारी फैल रही है वो क्या है। ऑप्शन ए एंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी एपिसोडिक, ऑप्शन डी पैंडेमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पैंडेमिक। क्या है पैंडेमिक? पैंडेमिक स्प्रेड ऑफ डिजीज अमंग लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड होती है ये, जैसे COVID-19 इज ए पैंडेमिक। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, तब तक आप पढ़िए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।